अच्छा हरियर रोडवेज की कौरधार बाइक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना हरियर। और भाई आज मैंने आप लोगों के लिए दो ऐसी जगह ढूंढी है जहां पे भाई देसी खाना मिलता है इतना जबरदस्त। और सबसे बढ़िया बात, यहां का जो प्राइस है, जो रेट है, वो इतना ज्यादा कम है कि आप बोलोगे कि हरिया यार तो कमाल करता है। आप आ जाओ मेरे साथ, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मेरे साथ आओ। आपको सबसे पहले मैं लेके चलता हूँ एक ऐसे ढाबे पे जहाँ पे 70 रुपए में आपको थाली मिल जाएगी देसी घी वाली। सुरेंद्र जी, कितना कितना पुराना ढाबा है? 5 साल। 5 साल पुराना ढाबा है सर। क्या क्या होता है अपने पास? महा की दाल होता है जी, काले छोले, राजमा जी, कढ़ाई पनीर, कढ़ाई पनीर। अच्छा दिखाइए भैया क्या क्या होता है, एक बार शुरू कर दीजिए। हमारे पास है माँ की दाल। ये है जी माँ की दाल। और भाई एकदम जबरदस्त लग रही है देखने में, आपको देख के समझ में आ जाएगा एकदम बढ़िया बनी है, गाढ़ी दाल है। और भैया इधर क्या है? काले छोले। तो ये है जी काले छोले। और भाई इसको भी देख के आपके मुंह में पानी आने वाला है क्योंकि जबरदस्त रोगन है चनों में, एकदम बढ़िया लग रहे हैं। और भैया इधर क्या है? राजमा है। अरे वाह, तो ये है जी राजमा। भाई एकदम बढ़िया दानेदार राजमा है और चित्रा राजमा है, तरी भी एकदम गाढ़ी है। ये है जी आलू मटर। ओ वाह 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 भाई, ये देखो आलू मटर, देख के ही मजा आ रहा है, जबरदस्त यार, वाह। और भैया वो तो थी भाई साहब सब्जियां, यहाँ पे देखो तवा रोटियां भी हैं और पेड़े करके यहाँ पे बड़े से तवे के ऊपर फुला के बनाते हैं। भैया एक दो बना के दिखाइए। सुनील भैया यहाँ पे तवा रोटियां बना रहे हैं ग्रेनाइट के ऊपर और एकदम जबरदस्त बेल के आ गई जी तवा की रोटियां। और इधर जो है तंदूरी सेक्शन है। सुरेंद्र भैया आप तंदूर संभालते हैं? तो सुरेंद्र भैया जो है वो तंदूर संभालते हैं और यहाँ पे अभी तवा रोटियां जो है उनको बना रहे हैं और पेड़े एकदम एक बराबर कर रखे हैं सारे के सारे, बहुत जबरदस्त यार। और अंदर आपको दिखाते हैं, इधर दिखाइए भैया। ये है जी मूंगी मसूरी दाल। भाई ये तो बहुत कम देखने को मिलती है ढाबों पे, ज्यादा करके आपको चने की दाल देखने को मिल जाएगी, ये मूंगी मसूरी दाल भी बनी हुई है यहाँ पे और बड़े से कुकर में है। जिस टाइम मर्जी आओ आप, आपको दाल मिल जाएगी यहाँ पे। भाई साहब ये है कड़ी, एकदम जबरदस्त लग रही है देखने में, वाह वाह। एक बार और गिरा के दिखा दीजिए। कड़ी में खड़े मसाले डाले हुए एकदम जबरदस्त। और भैया खटास दही की है, इमली की है, लस्सी की? अच्छा बढ़िया। यहाँ पे चटनी रखी है और इधर देखो कुछ थालियां लग रही हैं और पीछे वो चौक मसाला बन रहा है तड़के लगाने के लिए। और इधर तंदूर पे भैया तंदूरी रोटियां जो है वो निकालने वाले हैं। नई बस्ती खन्ना में है जी ढाबा गुरखे का पंजाबी ढाबा, और यहाँ पे आके आप ऐसी बढ़िया तवा रोटियाँ जो है वो खा सकते हो। और भाई ये है यहाँ का मिक्स वेज, ऊपर कसूरी मेथी डाल रखी है, ये हरिया धनिया है, धनिया है, थोड़ा सा चला के दिखा दीजिए। मेथी और धनिया दोनों डाल रखे हैं भाई, एकदम जबरदस्त मिक्स वेज है यार। अगर आपको बढ़िया खाना खाना है ना खन्ने में, तो अब आप ये ढाबे पे ट्राई करना, आपको मजे आ जाएंगे। भैया क्या बना के दिखा रहे हैं? कढ़ाई पनीर दिखाइए सर। यहाँ पे जो कढ़ाई पनीर बनता है ना, मेरे हिसाब से ऐसा कढ़ाई पनीर आपने खाया नहीं होगा कहीं पे। ये देखो तड़के के अंदर सबसे पहले या पैन के अंदर सबसे पहले आ गई जी भुजी हुई लाल मिर्च और साथ में सूखा धनिया और जीरा। और भाई ये फटने वाले जो पटाखे आ रहे हैं ना, इनसे थोड़ा सा बच के रहना पड़ेगा आपको दिखाने के लिए, पर मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको सब अच्छे से दिखा पाऊं। ये सारी की सारी सब्जियां जो है इसमें, शिमला मिर्च है, प्याज है, टमाटर है और हरी मिर्ची है, ये सब आ गई जी इस तड़के के अंदर। और शायद ऐसा जो कढ़ाई पनीर आपने कहीं भी नहीं खाया होगा, ये पनीर के बड़े बड़े क्यूब्स हो गए। सारी की सारी सब्जियां जो है वो गोल्डन ब्राउन हो गई हैं। और ये आ गया जी चौक मसाला और साथ के साथ ही आ गया पनीर। ओ भाई भैया बाल जल गए। भाई साहब ऐसा कढ़ाई पनीर अगर आपने कहीं खाया है तो बताओ। और भाई ये आ गई ग्रेवी एक टमाटर वाली, और इससे देखो भाई एकदम कढ़ाई पनीर की लुक बदल गई है। ये कुछ मसाले आ रहे हैं, गरम मसाला, साथ में किचन किंग, लाल मिर्च और नमक, और ये ऊपर से आ गई जी कसूरी मेथी, और साथ के साथ ये आ गया शाही पनीर मसाला, ये आ गया जी हरिया धनिया जो कि हर रसोई की जान है, और भाई ये आ गई क्रीम, थोड़ा सा फूड कलर भी आ गया भाई, एकदम रंग माहौल सब बदल दिया भैया ने। पनीर को कद्दूकस करके भी डालेंगे भाई, जबरदस्त यार। ये आ गया जी हरिया धनिया थोड़ा सा और ये बढ़िया कढ़ाई पनीर बन के तैयार है। और भाई साहब अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस ढाबे की जो जान है, जो ज़्यादा करके लोग यहाँ पे आके खाते हैं, 70 रुपए वाली थाली। इसमें आती है जी दो सब्जियां, सबसे पहले तो आ गए काले छोले एकदम बढ़िया रोगन वाले, और पीछे जो भीड़ आप देख रहे हैं सारी की सारी भीड़ इस थाली के लिए। ये देखो ये आ गई मिक्स वेज, और साथ में क्या देते हैं भैया? साथ में इसमें आप सलाद सब्जी मिलेगा जी, रोटी मिलेगा जी, इसमें रोटी डालेंगे पहले जी। अभी आएगी जी इसमें रोटी, तवा और तंदूरी दोनों मिल जाएंगी, कोई मर्जी
तंदूरी चार मिलेगी, तवे वाली पाँच छह रोटियाँ मिलेगी। तवे वाली छह और तंदूरी चार, भाई ये देखो साथ में आ गई तवा की रोटियाँ, ये आपकी थाली में आ गया जी सलाद। सात रोटी सर, सात रोटी। और ये भाई एकदम जबरदस्त चटनी लग रही है, वाह। ये आ गई जी चटनी आपकी। और भैया थाली अगर खानी हो तो कहाँ आना पड़ेगा? हमारे लिए लुधियाना खन्ने में आना पड़ेगा। लुधियाना खन्ने में ढाबे का नाम क्या है? हमारा गोरखे का पंजाबी ढाबा है। गोरखे का पंजाबी ढाबा। और लोकेशन क्या है आपका? लोकेशन खन्ना अपना वो नया बस्ती जीटी रोड है। खन्ना नया बस्ती जीटी रोड। हाँ जी ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये अब हम इंजॉय करते हैं। ये कढ़ाई पनीर ना जिस तरीके से भैया ने बनाया है एकदम जबरदस्त है यार। इसकी ना कंसिस्टेंसी देखो आप, और इसकी ग्रेवी देखो एकदम बढ़िया लग रही है। ये हम डाल लेते हैं यहाँ पे। और हमने क्या किया है ना, यहाँ भैया से एक थाली जो है वो हमने बनवाई है, जिसमें कि ये मूंग दाल है, ये है जी मूंग दाल, और इसके साथ इधर है जी ये चटनी और प्याज, और ये है जी तवा रोटी, और ये लेते हैं कढ़ाई पनीर। Here's a bite of the कढ़ाई पनीर with तवा रोटी। Here goes. कढ़ाई पनीर का बड़ा मसालेदार फ्लेवर है, बट जो क्रीम और जो पनीर कद्दूकस किया था ना उसने काफ़ी मसालों को एकदम सटल कर दिया है। दाल ट्राई करते हैं, ये तो भाई साहब आपको पता है हमारी फेवरेट है, एकदम पतली कंसिस्टेंसी है दाल की। Here's a bite. हर घर में, हर शहर में, हर स्टेट में बनती है। मूंग दाल है, एकदम बढ़िया है, ये ट्रेडिशन है यार, बहुत ज़बरदस्त है। और भाई अभी मैं आपको जिस जगह लेके आया हूँ ना, यहाँ पे भाई साहब आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सर्दियाँ आने वाली है, साग आने वाला है, सरसों का साग, मक्की की रोटी आने वाली है। बट एक जगह है जहाँ पे ये चीज़ ऑलरेडी मिल रही है, अभी मिल रही है, तो मैंने सोचा आप सब लोगों के साथ पंजाबी में कहते हैं कि नवा करते हैं जी, मतलब नया करते हैं। आज साग खाते हैं इकट्ठे पहली बार, इस सीज़न का साग, और आपको दिखाते हैं। बाबा के पास बहुत ज़बरदस्त साग मिलता है, आ जाओ। यहाँ पे मिलता है जी सरसों का साग और मक्की की रोटी और बाबा जी की मक्खन जैसी बातें। बाबा जी सत श्री अकाल, नमस्कार। हरी भाई सत श्री अकाल, कैसे हो सर, क्या हाल चाल है? बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपने मुझे टाइम दिया। आप तो अचानक टाइम लेने आ गए, आपने मेरे को फोन नहीं किया ना, अचानक छापा मारा आपने। सर मैं मेहमान नहीं हूँ, आपका बच्चा हो तो इसलिए मेहमान की तरह नहीं, मैं बच्चों की तरह आया हूँ। कोई ऐसी बात नहीं, वेलकम। थैंक यू सर। तो मुझे एक चीज़ बताइए कि यहाँ पे साग जो है, मैंने सुना है अगर किसी को भी नया करना है, जैसे सीजन का साग नया आता है तो नया करना है तो बाबा के पास आ जाओ। आप सर कब से कब तक लगाते हैं? फुल टेस्ट है साग का जी, क्योंकि अब तो साग बनाने का तजुर्बा इतना हो गया। जी और साग फुल टेस्टफुल है जी। मक्की की रोटी बहुत बढ़िया है। अच्छा जी, मक्खन भी साथ में, राजमा कढ़ी चावल जी। हाँ जी, मैं इतना कुछ ही है, ज्यादा नहीं बनाता मैं। अच्छा जी। और मैं सुबह 11 बजे शुरू करके जी इसको 3 बजे, सवा 3 बजे समाप्ति समझो। अच्छा, 11 से 3। जो 3 बजे आया उसको मिले ना मिले कोई गारंटी नहीं। अच्छा जी, बाबा जी एक बार दिखाइए जरा, आज वैसे हम थोड़ा लेट हो गए हैं, सवा 3 बजे पहुँचे जी। हाँ, ये देखिए राजमा है जी, बहुत बढ़िया, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। चित्रा वाले, जम्मू वाले? बिल्कुल जम्मू वाले। वाह वाह, एक बार से दोबारा चला के दिखा दीजिए। वाह, ये जम्मू वाले हैं एकदम घर के स्टाइल के, और हिंग भी डाली हुई। इसका रेट है बाजार से 150 रुपए किलो। अच्छा, 100 रुपए किलो भी मिलते हैं, मैं बनाता नहीं। इसमें आपने हींग भी डाली हुई थोड़ी सी? सब कुछ डालते हैं। बहुत जबरदस्त एक महंगा है, खुशबू तो आएगी आएगी जी, लेकिन हींग स्वास्थ्य के लिए अच्छी। जी और ये कड़ी खत्म हो गई है, देखो बढ़ने वाली है जी, कड़ी खत्म हो गई है। जी कड़ी बहुत टेस्टी थी, लोग ले गए डिब्बे भर भर के ले गए। जी और ये साग एक डिब्बा देखो, ये खाली पड़ा है। अच्छा जी, ये खाली हो गया है। अरे वाह, लोगों को साग का शौक है, ये इसमें अभी भी खुशबू आ रही है साग की। वाह वाह वाह, बिल्कुल जबरदस्त साग है एकदम। और इसका जो गाढ़ा पर, सर ये पंजाबी कहते हैं कोटिया होया, कोटिया हुआ पूरा, कोटिया होया ब्लेंडर नाल, ये मशीनी नहीं है, कोटा जाता है इसका तरीका है जी। जब तक ये घोटने के पीछे पीछे साग भागने ना लगे इसको घोटते जाओ। अच्छा जी, क्या बात है, जब घोटने के पीछे जी साग भागने ना लग जाए जी तब तक घोटते रहो। क्या अगर वो पीछे नहीं भागता इसका मतलब साग अभी बनाने। क्या बात है, तो मैंने जो सवाल पूछा था मशीन वाला, तो यहाँ तो इंसान ही मशीन है। बिल्कुल, तो क्या बात, मशीन भी तो इंसान ने बनाई। वाह, और बाद में ये गुड़ खिलाता हूँ। अरे वाह, ये पतासा गुड़ है जी, इतना टेस्टी है, लोग मेरे से मांगते हैं बाबा जी 5 किलो दे दो, 2 किलो दे दो। जी मैंने कहा भैया करो और जाओ जी, मैं को बपार थोड़ी करता हूं। जी बाबा जी एक थाली प्लीज लगा दीजिए, मुझे लग रहा है हमारे लिए। ये देखो अब लगने वाली है जबरदस्त थाली बाबा जी के यहाँ की। सबसे पहले तो आ गया जी साग,
और साग जो है ना भाई यहाँ पे खाने आ जाओ अगर आप वेट कर रहे हो साग की। राजमा भी थोड़ा लगा दो जी। ये देखो जी, ये इधर से आ गए राजमा। वाह, राजमा जम्मू वाले भी फेल कर दूंगा। अच्छा जी, जम्मू में लोग मास्टर हैं राजमा के जी। ऐसे राजमा बनाते हैं कि जम्मू वाले भी कहेंगे पता नहीं राजमा बनाने वाला कारीगर कहाँ से आ गया। क्या बात है, गारंटी है। वाह, इसकी खुशबू खुशबू इतनी बड़ी है, बहुत बढ़िया खुशबू है। ये देखो जी, ये कढ़ी 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 भी एकदम गाढ़ी है यार, जबरदस्त। और सर ये जो सफेद मक्खन है जो आजकल लुप्त होता जा रहा है, इसके बारे में बताइए थोड़ा। देखिए ये मक्खन मेरे हाथ का निकला हुआ है जी। दूध मैं खुद जमाता हूँ जी, लस्सी खुद बनाता हूँ, मक्खन अपने हाथ से ही निकालता हूँ। अच्छा जी, किसी के हाथ में ये काम नहीं है जी, मेरे हाथ से होता है। अच्छा जी, और लस्सी इतनी गाढ़ी है जी, आप देख के हैरान हो जाओगे, लस्सी इतनी गाढ़ी है। अरे वाह, लस्सी आज इतनी गाढ़ी है, ये एक आदमी एक बार में एक गिलास पी नहीं सकता। वाह वाह वाह, इतनी गाढ़ी लस्सी। हार बन रही है प्रॉपर, नहीं गाड़ी है पूरी। वाह वाह वाह। और बाबा जी एक चीज और बताइए कि यहाँ पे अगर किसी को आना हो तो लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन क्या पड़ती है? देखिए लुधियाना से आएंगे जी तो ये किलोमीटर है 57 किलोमीटर है लुधियाना से, अम्बाला से भी ये 57 किलोमीटर है। अच्छा, आधे में पड़ता है, आधा 50-50 है सफर जी जी जी। और ये हाईवे है 44। अच्छा जी, सरहंद नहर के बिल्कुल पास, जीटी रोड के बिल्कुल ऊपर। और अब तो इतनी कोई बात नहीं, जहाँ भी आप कोई पूछेगा जी, लोग अब बाबा जी के ढाबा का रास्ता बता देते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। क्या बात है, जबरदस्त, सब प्रभु की माया है जी। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं जी, देश से नहीं विदेश से भी लोग आते हैं, कोई कंट्री ऐसा नहीं जहाँ से पंजाबी ना आते हो भोजन करने के लिए। मेरे पास 90% लोग जी वीडियो देखकर आते हैं जी, जी, जी। हैरी उपल की वीडियो देखते हैं अभी ये मेरी 83वीं वीडियो है, 83 क्या बात, जो अभी हरिया भाई बना रहे हैं ये 83वीं वीडियो है जी, जी, जी। वैसे तो हरिया भाई की वीडियो बहुत ज्यादा वायरल होती जी, है जी, जी। और ये भी वायरल होगी क्योंकि लोगों ने मेरे को देखे को बहुत देर हो गया जी, जी, जी। देखना चाहते हैं बाबा जी कैसे हैं। बढ़िया सर, ऐसे ही आपका हौसला और आपकी कला जो है वो चढ़ती रहे, प्रभु की माया है, लोग आएंगे मैं उनका स्वागत करूंगा, लेकिन टाइमिंग का ख्याल रखें जी। टाइमिंग है मेरा 11 से 3, बाहर से आने वालों के लिए 2:30 बजे का टाइम है। अच्छा जी, वो 2 बजे तक आए, 2:30 बजे तक आए उनको मतलब खाने को मिलेगा जी। अगर लेट हो जाएंगे फिर मैं हाथ जोड़ दूंगा। ठीक है सर। भाई साहब ये देखो, ये है आज का हमारा स्वाद वटांदरा। मैं यहाँ पे आया हूँ ये खाने भाई, सफेद मक्खन और साग और साथ में मक्की की रोटी। तो भाई यहाँ से एक बढ़िया सी जो बुरकी है वो उठाते हैं और ये लगाते हैं जी साग के अंदर। तो भाई साहब श्योर मज़ा आया नहीं यार, थोड़ा सा साग और हो जाए ना। ये देखो भाई साहब ये बुरकी के ऊपर, और आज बाबा जी ने जो पैकअप कर दिया है तो टेबल बाबा जी ने खुद ही बना दिया। थैंक यू सो मच बाबा जी, आपने इतने प्यार से मुझे एक ये सर्व किया, ये भी आप आपके भाग्य में थी। जी 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 जी, नहीं तो आज आपको खाने को कुछ मिलना नहीं। सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है जी। थैंक यू सर। अच्छा फिर से भाई, भाई अगर आप साग के दीवाने हो और साग की वेट कर रहे हो, वेट ना करो, यहाँ पे आ जाओ बाबा जी के पास। बहुत ज़बरदस्त साग है, साथ में मक्की की रोटी है, और इसको खाने के बाद गुड़ खा लो तो मज़े आ जाएंगे आपके। आप बोलोगे कि भाई आज वाकई लंच बहुत ज़बरदस्त हो गया। टाइमिंग्स आपको पता है, लोकेशन आपको पता है, यहाँ पे आ जाओ।